चुनाव के बाद जो नेता और विधायक होते हैं वो बड़े बड़े वादे करते हैं और प्रचार करते हैं, अब बारी आती है जब रिजल्ट आ जाते हैं उन दावों को, उन वादों को पूरा करने का। ऐसा एक वादा मध्य प्रदेश के विधायक फूल सिंह बरैया का भी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के भांडेर सीट से जीतने वाले हैं कांग्रेस के ये विधायक फूल सिंह बरैया। उनका एक वादा था और उनका ये वादा जो है उनके एक समर्थक ने पूरा किया, और उन्होंने वादा क्या किया था, समर्थक ने ये वादा क्यों पूरा किया, ये खबर जानने के लिए ये रिपोर्ट आपको देखना पड़ेगा, देखिए जरा। लेकिन उनको सुनो सुनो सुनो, मेहरबान कदरदान होशियार, विधायक फूल सिंह जी वादा पूरा करने को तैयार, हम आपको उनका वादा दिखाएंगे। पहले ये देखिए, वादा तो विधायक फूल सिंह बरैया का था लेकिन निभाया है उनके एक समर्थक ने। जी हाँ, ये है योगेश डंडोतिया। इन्होंने फूल सिंह बरैया के समर्थन में अपना मुंह काला कर लिया है, साथ ही अब फूल सिंह बरैया से अपील भी की है कि उनकी बात का सम्मान हो, इसलिए वो राजभवन के सामने अपना मुंह काला न करें। अब सवाल है कि मुंह काला करने की बात आई कहां से, तो जान लीजिए कि चुनाव के दौरान फूल सिंह बरैया ने ही मुंह काला करने का वादा किया था। तब उन्होंने क्या कहा था ये भी आप खुद सुनिए। 2023 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी 50 विधायक भी जीत जाएगी, फूल सिंह बरैया राजभवन के सामने अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। चुनाव के दौरान वादे तो कई होते हैं, चुनाव बीतते ही वो सारी बातें आई गई हो जाती हैं। फिर इस पर बवाल क्यों हो रहा है, तो आप खुद सुनिए इसकी वजह। रिजल्ट में आप मिल जाएंगे रिजल्ट के बाद? अरे मैं तो रहूंगा ही, रिजल्ट के बाद मैं नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा? मीडिया ढूंढेगी आप? मैं मीडिया ढूंढे मीडिया के घर पे चला जाऊंगा, जहाँ कहेंगे वहाँ आ जाऊंगा। बता दें कि एमपी चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद फूल सिंह बरैया ने आज राजभवन आकर अपना वादा पूरा करने की बात कही है। मतलब ये कि आज वो अपना मुंह काला करेंगे, और इसके लिए उन्होंने दोपहर 2 बजे का वक्त दिया है।